हेलो एवरीवन, ओपन योर एनवायरमेंटल स्टडीज टेक्स्ट बुक एंड गो ऑन पेज नंबर 58। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू सी अवर नेक्स्ट लेसन, 10th लेसन, मोर अबाउट वाटर। लास्ट टू वीडियोस में हमने देखा कि अवर नीड फॉर वाटर पहले देखा था, 8 नंबर का लेसन, जिसमें पानी की ज़रूरत के बारे में हमने देखा। वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम, ये हमारा 9 नंबर का लेसन था। पानी हमें कहाँ से मिलता है, उसमें रिवर, रिवलेट, पॉन्ड, लेक, ओशन, सी, ये जो वाटर सोर्सेस है उनके बारे में हमने जानकारी देखी, डैम, रिवलेट, इनके बारे में। और ये जो 10th नंबर का लेसन है, इसमें हम देखेंगे वाटर की केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स देखेंगे, पानी के बारे में और जानकारी हमें लेनी है। टेक सम क्लीन वाटर इन ग्लास, लुक एट इट्स कलर, व्हाट्स कलर इज इट। एक शुद्ध पानी, प्योर वाटर एक ग्लास में लो और उसका कलर कौन सा है वो देखो। स्मेल अ फ्रैग्रेंट फ्लावर, डिड यू लाइक द स्मेल। एक सुगंधित फूल को सूंघो, आपके नाक के पास, नोज के पास लेके जाओ, उसका स्मेल लो, जैसे गुलाब जैसा फूल। आपको स्मेल पसंद आएगा ना? यस। नाउ स्मेल द वाटर, डज इट हैव स्मेल। अभी पानी का स्मेल लो, पानी को नाक के पास लेके जाइए ग्लास और स्मेल लेने की कोशिश कीजिए, आएगा क्या? नहीं। टेस्ट अ राइप मैंगो और चीकू और गवा, हाउ डज द राइप फ्रूट टेस्ट। जो पका हुआ मैंगो है, आम है, चीकू है, पेरू, गवा है, उनकी टेस्ट लीजिए, आपको पसंद होगी वो टेस्ट। नाउ टेस्ट द वाटर, हाउ डज इट टेस्ट। अभी पानी का टेस्ट लीजिए, कैसा लगता है वो, खारा लगता है, तीखा लगता है, मीठा लगता है। वॉट डज दिस टेल्स अस, प्योर वाटर हैज़ नो कलर, टेस्ट और स्मेल। वन थिंग यू शुड रिमेंबर, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि प्योर वाटर, जो शुद्ध पानी है, प्योर वाटर हैज़ नो कलर। प्योर वाटर का कोई भी कलर नहीं होता है। पिक्चर निकालते वक्त हम उसको ब्लू कलर में दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअली में वाटर को कोई भी कलर नहीं होता है। नो टेस्ट, कोई भी टेस्ट नहीं होती है, और नो स्मेल, स्मेल भी नहीं होता, यानी कोई अच्छा बुरा गंध नहीं होता उसको। प्योर वाटर हैज़ नो कलर, टेस्ट और स्मेल। न्यू टर्म्स, यहाँ पर दो चीज़ें हमें देखनी है। ट्रांसपेरेंट किसे कहते हैं? इफ़ यू कैन सी थ्रू अ सब्सटेंस, इट इज़ सेड टू बी ट्रांसपेरेंट। आप अगर किसी चीज़ में से आर पार देख सकते हो, उस चीज़ को हमारे आंखों के सामने लाने के बाद उस चीज़ के उस दूसरी तरफ का भी आप देख सकते हो, तो ऐसे चीज़ को कहते हैं ट्रांसपेरेंट, पारदर्शक। जैसे आपके आंखों पर जो गॉगल्स लगाए जाते हैं, चश्मा, उनके कांचों के बाहर का हम देख सकते हैं, तो वो ट्रांसपेरेंट है। सेकेंड टर्म है ओपाक, मीन्स इफ़ यू कैन नॉट सी थ्रू अ सब्सटेंस, इट इज़ सेड टू बी ओपाक। अगर किसी चीज़ में से, किसी सब्सटेंस में से, पदार्थ में से आप आर पार नहीं देख सकते, तो उसे ओपाक कहते हैं। अभी आर पार, फॉर एग्जांपल, चश्मे की जगह पर हमने अगर कोई पुट्ठा लिया, समझो हार्डबोर्ड लिया, तो हम उसके आर पार देख सकते हैं क्या? नो, तो ओपाक हुआ। जैसे हमारे घर की दीवार होती है, उसके दूसरे हिस्से में, दूसरे साइड में, दूसरे डायरेक्शन में क्या हो रहा है हमें पता नहीं चलता। लेकिन वही अगर कांच की दीवार हो, ग्लास की, कांच है ना, जैसे डॉक्टर की केबिन वगैरह रहती है, तो हम अंदर चल रही बातें, यानी लोगों को देख सकते हैं, उन अंदर की वस्तुएं देख सकते हैं। जैसे गाड़ी का कांच होता है, मिरर, फोर व्हीलर का, कार का, तो ड्राइवर के सामने जो कांच होता है उसमें से हम बाहर का देख सकते हैं, रोड पर का। लेकिन वहाँ पर अगर कोई लोहे की एक आधी पट्टी लगाए तो देख सकते हैं क्या? नो, तो क्या पता चलता है हमें कि जो कांच है, जिसको इंग्लिश में ग्लास कहते हैं, वो ट्रांसपेरेंट है। एक एक्सपेरिमेंट दिया है आपको, ये घर पे करते वक्त अगर आपको करना है, तो ये तो स्कूल में टीचर के सुपरविजन में करना है, लेकिन घर पे अगर आप करना चाहते हो तो आपके पेरेंट्स के सामने करना है, आपको अकेले को ट्राई नहीं करना है, इंजुरी हो सकती है। ओके, देखिए, लाइट अ कैंडल एंड स्टैंड इट ऑन द टेबल। पिक्चर में जैसे दिखाया वैसे एक कैंडल टेबल पर रखिए, उसको जलाकर। लुक एट टू इट कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड यानी एक पुट्ठा दोनों के बीच में रखिए, आपके और इस कैंडल के बीच में एक कार्डबोर्ड रखा। नाउ लुक एट द सेम कैंडल थ्रू अ ग्लास पेन, व्हाट डू यू फाइंड। यू कैन नॉट सी फ्लेम थ्रू द कार्डबोर्ड, बट यू कैन सी इट थ्रू द ग्लास, व्हाट डज द मीन। द कार्डबोर्ड इज ओपाक बट ग्लास इज ट्रांसपेरेंट। और यही एक्सपेरिमेंट आप ग्लास का यूज़ करके करो, कांच, कांच के
दूसरी तरफ का भी हम कैंडल जलता हुआ देख सकते हैं, लेकिन जो कार्डबोर्ड है उसके दूसरी तरफ का नहीं देख सकते। मतलब ग्लास इज ट्रांसपेरेंट सब्जेक्ट सब्सटेंस एंड कार्डबोर्ड इज ओपाक सब्सटेंस। ओके, नेक्स्ट पेज। नाउ लुक एट द कैंडल थ्रू अ ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट डू यू फाइंड? अभी क्या करना है उस कैंडल के शुरू में, क्या करना है? आपके आंखों के और कैंडल के बीच में एक पानी से भरा हुआ कांच का ग्लास रखना है। द कैंडल कैन बी सीन थ्रू द वाटर इन द ग्लास एज वेल। व्हाट डज दिस मीन्स? वाटर टू इज ट्रांसपेरेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लास कांच का है, उसमें पानी है, और इन दोनों के बावजूद भी हम उस तरफ की कैंडल देख सकते हैं उसमें से। मतलब पानी जो वाटर है वो भी ट्रांसपेरेंट है। अगर आपने कभी कुएं में झांक कर देखा वेल में, तो आप उसमें की फिश, और अगर लाइट हो तो अंदर का जो बॉटम है कुएं का वो भी देख सकते हो। अगर आपकी कोई चीज़ गिरी ऊपर से, बकेट वगैरह, तो वो भी आप देख सकते हो क्लियर वाटर में, है ना। लेकिन वही अगर बाढ़ का पानी हो, गंदा दिखता है दिखने में, तो उसमें हम वो नहीं देख सकते। तो प्योर वाटर क्या है? ट्रांसपेरेंट है। अभी प्योर वाटर देखिए, प्योर वाटर हैज़ नो कलर। प्योर वाटर, शुद्ध पानी को कोई भी कलर नहीं होता है, ब्लू भी नहीं। हम पेंटिंग करते वक्त ब्लू कलर देते हैं, लेकिन ब्लू कलर होता नहीं। प्योर वाटर हैज़ नो कलर, नो स्मेल, कोई भी स्मेल नहीं होती, जैसे फूलों को आती है ना स्मेल, नहीं। हैज़ नो टेस्ट, प्योर वाटर हैज़ नो टेस्ट, कोई भी टेस्ट नहीं होती, वो खारा भी नहीं होता, तीखा भी नहीं, मीठा भी नहीं, टेस्टलेस होता है। एंड इट इज़ ट्रांसपेरेंट इन नेचर, और ट्रांसपेरेंट होता है मतलब अगर शुद्ध पानी में कुछ गिरे, पानी के ग्लास में अगर हम थोड़ा सा नेल मतलब कीला जो हम दीवार में गाड़ते हैं, तो उसको डाला तो हम आसानी से उसको देख सकते हैं। मतलब वाटर ट्रांसपेरेंट होता है। ट्राई दिस, एक एक्सपेरिमेंट दिया, टेक सम व्हीट और ज्वार फ्लोवर एंड सम वाटर, टेक टू डिशेस एंड टू ग्लासेस। ज्वारी का नहीं तो ज्वारी बाजरा गेहूं का आपको फ्लोवर लेना है, आटा लेना है, दो डिश लेने हैं। पुट अ लिटिल फ्लोवर इन वन डिश, एक डिश में थोड़ा सा वो फ्लोवर डालना है। पोर सम वाटर इन द अदर डिश, दूसरे डिश में पानी डालना है। नाउ पुट सम फ्लोर इन वन ऑफ द ग्लासेस, ग्लास में भी थोड़ा, एक दूसरे ग्लास में भी थोड़ा फ्लोर डालना है। एंड पुट सम वाटर इन अदर ग्लास, दूसरे ग्लास में वाटर डालना है। व्हाट डू यू सी? अ स्मॉल हीप ऑफ फ्लोर इज फॉर्म इन द डिश। अ हीप ऑफ फ्लोर इज फॉर्म इन द ग्लास एज वेल। द वाटर हाउएवर टेक्स द शेप ऑफ द प्लेट और ग्लास। व्हाट डज दिस टेल अस? व्हाट टेक्स द शेप ऑफ इस कंटेनर इन टू विच यू पोर इट? वाटर, एक डिश में आपने आटा डाला है, दूसरी डिश में पानी डाला है। एक ग्लास लिया कांच का, उसमें आटा डाला है, दूसरे ग्लास में पानी डाला है। आप देख सकते हो इस आटे का एक हिप यानी ढीक, छोटा सा ढीक बन गया है ना, यहाँ पर पानी पूरी तरह से फैल गया है और प्लेट का आकार उसने ले लिया है। ग्लास में भी जो फ्लोर डाला था, आटा डाला था, उसका भी एक हिप बन गया है, ढीक बन गया है ना। लेकिन ग्लास में जो वाटर डाला है वो ग्लास के तरह बन गया। मतलब हम इससे क्या पता कर सकते हैं कि वाटर डज नॉट हैव शेप ऑफ इट्स ओन, पानी को खुद का आकार नहीं होता है। शेप मीन्स आकार। दैट इज़ वाई इट स्प्रेड्स व्हेन इट स्पिल्स ऑन द फ्लोर, इसलिए जब हम नीचे गिरता है तो फ्लोर पर फैलता है। समझो फर्श पर पानी गिरा तो एक जगह पर रहता है क्या वो? नहीं। अगर आम गिरा आपके हाथ में का, तो आम एक ही जगह पर रहेगा, आप उठा के ले सकते हो। लेकिन फर्श पर अगर पानी गिरा तो पूरी तरह से फैल जाता है, और लो लाइंग एरिया जो उतार होता है, ढलान की तरफ वो बहने लगता है। वाटर टेक द शेप ऑफ इट्स कंटेनर इन टू विच यू फॉर इट, जिस तरह के बर्तन में या कंटेनर में आप उसको डालोगे, ठीक उसी तरह का पानी आकार लेता है। जैसे ग्लास में डाला तो ग्लास का शेप लेगा, गड़बे में डाला तो उसका शेप लेगा, दूसरे किसी बर्तन में डाला तो उसी बर्तन का वो शेप लेगा, बॉटल में उसको हमने भरा उसी पानी को तो बॉटल जैसा दिखने लगेगा, है ना। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे फ्लावर, मैंगो, दूसरी कुछ चीज़ें हैं, उनको प्रॉपर शेप रहता है। जैसे आपका टेक्स्ट बुक रेक्टेंगल टाइप का रहता है ना, स्क्वायर टाइप के रहते हैं बुक्स, तो वाटर को अपना शेप भी नहीं होता, ये हमने देखा। नेक्स्ट पेज नंबर 60। वी कैन यूज़ योर ब्रेन पावर, वी कैन सी द बॉटम ऑफ अ पूल ऑफ वाटर ओनली इफ द वाटर इज क्लीन। व्हाई? जब कोई ब्रिज होता है, पूल होता है,
तो उसके नीचे जो पानी होता है जब वो शुद्ध होता है, क्लीन होता है, तब हम उसका बॉटम देख सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि प्योर वाटर इज ट्रांसपेरेंट इन नेचर। बिकॉज व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज प्योर वाटर इज ट्रांसपेरेंट इन नेचर। व्हाइल कैरिंग अ बकेट ऑफ वाटर डाउन अ स्लोप द बकेट फेल एंड द वाटर वॉज स्पिल्ट। विल द वाटर फॉर्म अ हीप और विल इट फ्लो अवे? समझो आप बकेट लेके जा रहे हो पानी की और नीचे गिर गई। गिरने के बाद उसका जो पानी गिरा है क्या वो एक ही जगह पर रहेगा जैसे नमक वगैरह गिरने के बाद रहता है वैसे, या बहने लगेगा? डेफिनेटली इट विल फ्लो अवे। वो क्या होगा, हो जाएगा, बहेगा, जो ढलान की लोलाइंग एरिया है उस तरफ वो बहने लगेगा। मोर अबाउट वाटर, हमने अब तक क्या देखा था? प्योर वाटर इज नो कलर, नो स्मेल, नो टेस्ट और कुछ, एंड प्योर वाटर इज ट्रांसपेरेंट इन नेचर। अभी और तीन चीज़ें हमें पानी के बारे में देखनी है। कौन सी? इट टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। जिस तरह के बर्तन में, कंटेनर में पानी को भरा जाता है वो उसी का आकार ले लेता है। इट स्प्रेड्स ऑन अ फ्लैट सरफेस, सपाट जो पृष्ठभाग होता है, फ्लैट सरफेस, उस पर वो फैलता है। जैसे फर्श पर अगर पानी की बकेट गिरी तो एक जगह पर नहीं रहती, पूरे रूम, पूरी रूम पानी से भर जाती है, पूरे रूम के फर्श पर पानी हो जाता है, यानी फ्लैट सरफेस पर फैलता है। इट फ्लोज डाउन अ स्लोप, स्लोपिंग एरिया की तरफ बहने लगता है, उतारा दिशा ना वहाँ पे। ओके, तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ वाटर। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन वी विल स्टडी, वी विल लर्न इन नेक्स्ट वीडियो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।